अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे खीरे की सब्ज़ी। ये दो खीरे हैं, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ऐसे कट करके रख लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने इसे बारीक कट करके रखा है। ये दो टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक कट करके रखा है। ये थोड़ी सी कोथमीर है, ये 3 से 4 हरी मिर्ची है, मैंने इसे दो दो करके रखा है। ये 1 टेबल स्पून मैंने फली ली है, इसे मैंने रोस्ट करके रखा है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम नमक यहाँ पर चेक कर डालेंगे। ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। अब हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून तेल। इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज, अब इसमें ऐड करूंगी मैं टमाटर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए, थोड़ा इसे सॉफ्ट होने देंगे। देखिए अभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है 2 मिनट्स। हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा 2 मिनट्स तक इसको पकाएंगे। हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। सॉफ्ट होने तक थोड़ा हम पकाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फली का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर और हरी मिर्ची। अब 5 मिनट्स के लिए हम इसे और कुक करेंगे। खीरे की सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, खीरे की सब्ज़ी रेडी है। अब आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। इसे आप सर्व कीजिए रोटी या चावल के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।